जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर के पति का वीडियो वायरल। सौम्या गुर्जर के पति पर निजी कंपनी से 276 करोड़ के पेमेंट के बदले कमीशन मांगने का आरोप। वीडियो के आधार पर एसीबी में केस दर्ज। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में निलंबित हुई महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजाराम गुर्जर जयपुर में सफाई का काम कर रही बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि से 10% कमीशन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में राजाराम और एक व्यक्ति जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, वो बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ के बकाया चल रहे भुगतान को लेकर 10% कमीशन की पेशकश कर रहा है। ये वायरल वीडियो 20 अप्रैल 2021 की शाम को करीब 6:30 बजे का बताया जा रहा है। रिश्वत लेन देन की बातचीत का ये वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलकों में भी खूब हलचल है। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब सुबह ही हाईकोर्ट में मेयर के निलंबित करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। एसीबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसीबी ने प्राथमिक जांच पीई दर्ज कर ली है। एसीबी डीजीपीएल सोनी का कहना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोक सेवा संबंधित रिश्वत की बात हो रही है। साफ तौर से भ्रष्ट आचरण से जुड़ी जानकारी मिल रही है। इस वीडियो के आधार पर हमने प्रारंभिक जांच पीई दर्ज कर ली है और इसकी जांच एसीबी के एडिशनल एसपी को दी गई है। आगे पूरी प्रक्रिया के तहत फैक्ट फाइंडिंग की जाएगी। आगे सबूत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जो दिख रहा है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कंपनी को लेकर ही हुआ था मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त के बीच टकराव। जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी कंपनी को हटाने को लेकर ही महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के बीच टकराव हुआ। महापौर और पार्षद जयपुर शहर में सफाई का काम इस कंपनी से छीनना चाहते थे, वहीं कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने अदर झूल में लटकाए रखा था। उन्होंने बीवीजी कंपनी का टेंडर निरस्त नहीं किया, इससे महापौर और नगर निगम कमिश्नर के बीच टकराव पैदा हुआ। 44 सेकंड के वीडियो में रिश्वत की इस तरह हो रही बातचीत। कंपनी का प्रतिनिधि जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, वो कहता है कि 276 करोड़ रुपए का पेमेंट है, इसमें जो भी पेनल्टी लगेगी वो तो मेरी जाएगी। गलत बात ये नहीं कर रहा हूँ ना, नियमानुसार बात कर रहा हूँ। मान लो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़ कटे या 50 करोड़, जो भी कटे पेमेंट रिलीज करवा दो आप। 6 महीने में, साल भर में जितना भी पेमेंट होगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि भाई 276 करोड़ है और आप इसमें 20 बता रहे हो। तब रामा गुर्जर कुछ कहते हैं लेकिन साफ सुनाई नहीं देता। कंपनी का प्रतिनिधि कहता है जितना पेमेंट रिलीज होगा उसका 20 यानी कि 10% हो गया। एक तरह से 10% जिस दिन चाहे उस दिन आप चेक काट लो। बीवीजी कंपनी के बकाया भुगतान के रिश्वत की लेन देन की डील। इस वीडियो में नगर निगम में रुका हुआ बकाया भुगतान को लेकर 10% यानी कि 20 करोड़ रुपए की डील एक कमरे में हो रही है। यानी जिस तरह से कंपनी को भुगतान होगा उसका 10% कमीशन राजा राम को मिलता जाएगा। हालांकि राजा राम ये बकाया भुगतान 6 महीने में पूरा दिलवाने की बात करते नजर आता है। उसके बदले एक मुश्त 10 करोड़ का चेक देने की बात बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि सौम्या गुर्जर के पति राजा राम से कर रही है। इस वीडियो में बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि कहते नजर आते हैं कि जो पेनल्टी लगानी है वो लगाई जाएगी, लेकिन 6 महीने में पूरा पेमेंट रिलीज करवा दीजिए। इसी बीच राजा राम डील में भुगतान का पैसा चेक के नाम से देने से इनकार कर देते हैं और इस वीडियो में निगम की समितियों, चेयरमैन और पार्षदों को लेकर